मैंने बताया ना, एम्प्लॉय इज द आपके क्या होते हैं, फॉर्म के पावर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। तो इसलिए हर एक जो आपके एम्प्लॉय है उसमें आप इक्विटी रखिए, ये नहीं उनके जो वांट्स है, उनके डिसवांट है, ये सभी चीजों को आप नोट करिए। इक्विटी डज नॉट मीन्स ए इक्वल सैलरी टू ए पर्सन सुपरायर, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ए सम डिसिप्लिनरी रूल्स, लीव्स रूल्स इन द सेम वे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर गार्ड पोजिशन एंड जेंडर। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि इक्विटी मतलब आप सैलरी सबको एक सबको बराबर प्रोवाइड करिए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग होता है, तो अलग अलग सैलरी रहती है। तो सैलरी से मतलब नहीं, उनको रिगार्ड, उनका मतलब आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट करना, उनको मतलब ऐसा दिलाना कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप मेरे बिजनेस के लिए, और ना ही आप उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनके साथ भेदभाव करिए कि हाँ ये मैन है ये वुमेन है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि कास्ट को लेकर के प्रॉब्लम करते हैं, तो ये सब बिजनेस में बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ ये होना चाहिए आप जितना अच्छा करेंगे आपको उतना अच्छा मिलेगा, ये भी नहीं कि उनको हमेशा आप डिसअपॉइंटमेंट करें। उनकी सेटिस्फाई जो उनकी वांट्स, उनको भी समझिए वो क्या करना चाह रहे हैं। अगर उनकी वांट्स जो है वो सही तरीके से है तो आप उनको फुलफिल करिए, तभी वो मतलब एम्प्लॉय जो होते हैं जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक उनका वर्क करने में या वो किसी भी बिजनेस के कंट्रीब्यूशन में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनकी सभी चीज़ों को आप समझिए, उनको हर जगह पोजीशन दीजिए, कहिए कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, या आपकी वजह से हमारा बिजनेस इतना लॉन्ग टर्म अचीव कर रहा है। अब इसके बाद है आपका 11th पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनर ऑफ पर्सनल। आपका 11th है पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनर्स ऑफ पर्सोनल। इसमें भी आपके फ्लोर के थ्रू प्रिंसिपल दिया गया है, इट रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशंस एंड ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ ए जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयर, बिकॉज द फीलिंग ऑफ ए इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉयर कैन नॉट बी कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। फ्रीक्वेंटली टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयर इज ए बैड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन वेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी देखते हैं, कभी कभी क्या होता है किसी किसी डिपार्टमेंट में या बिजनेस में हम एम्प्लॉय को हमेशा टर्न ओवर करते रहते हैं, कभी कहते हैं आप वहाँ काम करिए, कभी कहते हैं आप इस वर्क पे इस बेस पे वर्क करिए, आप वहाँ वर्क करिए, मतलब उनको हमेशा घुमाते रहते हैं, या तो उनको ट्रांसफर कर देंगे दूसरी कंपनी में, अगर उनके पास दूसरी और भी कंपनियाँ हैं तो हम उनको ट्रांसफर कर देंगे, नहीं आप वहाँ जाके काम करिए। तो वो हमेशा उनको, और उनको ये भी दिलाइए, आप हमेशा ये दिलाएंगे कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, आपको जब चाहे निकाल सकते हैं, तो वो उसका मोरल क्या होता है, डाउन होता है एम्प्लॉय का, क्योंकि वो हमेशा चाहेगा कि मेरा जॉब सिक्योर रहे। उनको ये दिलाइए कि आपका जॉब जो है वो सिक्योर है, आपको हमेशा उनको यहाँ से वहाँ नहीं करिए, ट्रांसफर नहीं करिए, उनको एक काम दीजिए, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो काम को एक परफेक्ट तरीके से करे, क्योंकि वो कोई भी वर्क करता है तो उसमें उसको क्या आता है, एक आपको एक टाइम आता है उसको परफेक्ट होने में, क्योंकि कोई भी काम तुरंत जल्दी नहीं कर रहता है, या कोई इतना परफेक्ट नहीं दिखते हैं। हर एक कंपनी में आपको क्या दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि ये वर्क कैसे करना है, आपको कैसे हैंडल करना है, कोई भी पहले से ही मतलब उसको टीच नहीं करके आता है कंपनी में ही उसको टीच किया जाता है और उसको पता है ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उनको आप इधर उधर ट्रांसफर नहीं करिए कि आप उस डिपार्टमेंट, और उनको हमेशा फीलिंग दिलाइए कि आपकी जो भी जॉब है वो सिक्योर है, आप फ्री माइंड काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई रहेंगे और बिजनेस का वर्क जो होगा वो आपका हाई लेवल पे होगा। इनिशिएट आपका 11th पॉइंट है, इनिशिएटिव।
सॉरी 11 पॉइंट नहीं है आपका, 13 है। थर्टीन पॉइंट है इनिटिएटिव। मीन्स क्या होता है एज ए हिंदी मीनिंग? इनिटिएटिव मीन्स होता है औसत, मतलब औसत भी होता है। फ्योर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि आप कुछ एम्प्लॉय है उनको थोड़ा सा एक मतलब औसत भी दे सकते हैं, इनिटिएटिव कर दे सकते हैं। इनिटिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेट। फ्योर सजेस्ट द एट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टेक सम इनिटिएटिव इन मेकिंग एग्जीक्यूटिव अ प्लान। इट गिव ए मीन्स सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉय, सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडिया एम्प्लॉय बिफोर ए फॉर्मिंग द प्लान। अब इसमें बता रहे कि हम एम्प्लॉय को भी क्या देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आप और कि आप जाइए इस वर्क को करिए, आप खुद से भी डिसीजन लीजिए, अपना भी सेल्फ कुछ होता है ना, कभी कभी कहते हैं ना कि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगाते हैं, कुछ अपना भी प्रेजेंट ऑफ माइंड। कोई वो उनके पास प्लान है, अगर वो आके आपको बता रहे हैं कि हाँ देखिए हमारे पास ये तरीके का प्लान है सर, ये वर्क कर सकते हैं, अगर उनका प्लान अच्छा है तो उसको इम्प्लीट करिए, क्योंकि वो बहुत मतलब उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे प्लान को समझा गया, बताया गया, उसको लागू भी किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या करिए कि जो एम्प्लॉय है उनके डिसीजन को भी सुनिए, वो भी कुछ आपको लेके आ रहे हैं कोई न्यू तरीके का आइडिया, तो उनको उनको अचीव करिए, उनकी बातों को सुनिए, उनको भी डिसीजन थोड़ा सा ज़्यादा अथॉरिटी नहीं देना चाहिए, लेकिन जो वो लीगल है वे में है तो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आपका फोर्थ 14th जो है स्प्रिट डे प्रो, स्प्रिट डी प्रो, क्रोप्स भी लिख सकते हैं या प्रोप लिखे, क्रोप्स हो सकते। अब स्प्रिट डी क्रोप्स में क्या है, मैनेजमेंट मस्ट बी इंकरेज एंड प्रमोट टीम स्प्रिट यूनिटी एंड हार्मोनी, दिस विल बी ब्रिंग ए कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ए मैनेजर शुड प्लेस आई विथ वी, दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग अमंग द टीम मेंबर। इट विल बी मिनिमाइज द नीड फॉर ए यूजिंग पेनाल्टीज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो आपके मैनेजमेंट है टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, जब भी कभी कोई भी बिजनेस में अचीव करते हैं वर्क, या कोई भी हम क्या करते हैं कि आपका जो बिजनेस में आपका मतलब टर्नओवर में प्रॉफिट हुआ है, कोई भी चीजें आपके बिजनेस में बहुत बेस्ट हुआ है, तो आपको हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी वजह से हुआ, या किसी भी पर्टिकुलर इंसान को ये नहीं कहना पड़ेगा मेरी वजह से बिजनेस ने अचीव किया है जो भी प्रॉफिट है, या मेरी वजह से हाई लेवल पे बिजनेस है। आपको हमेशा कहना पड़ेगा कि हम लोगों की वजह से, क्योंकि आप सभी यूनिट को लेके चल रहे हैं, बिजनेस करा रहे हैं, क्योंकि सभी आपके जो भी बिजनेस होता है प्यून से लेकर के एक टॉप लेवल तक सभी का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि किसी एक की वजह से आपको बिजनेस नहीं चलता है, ना ही कभी बिजनेस रन, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे आपके वर्ल्ड फेमस बिजनेस हो रिलायंस हो, चाहे कोई भी बिजनेस है, वो क्या करते हैं स्कूल की बात मैंने इसलिए कहा, एक तरह से एजुकेशन भी है और एक तरह से आपका एक बिजनेस भी है, ये दो पार्ट, ये दो थिंग्स रखता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होते हैं हमारे स्कूल में सभी लोगों को क्या होता है कि हम सभी लोग कंट्रीब्यूशन का मतलब समझें कि हाँ हाँ वो भी हमको उनकी वजह से भी हमारा बिजनेस चल रहा है, यानी आई के जगह वी को हमको डिनोट करना पड़ेगा, कभी हम ये नहीं कहेंगे मेरी वजह से जो भी बिजनेस का गोल है वो आया है, हम हमेशा ये कहेंगे कि हम लोगों की वजह से ये बिजनेस हमारा क्या हुआ है प्रोसेस, मतलब जो भी है प्रॉफिट पाया है या
टॉप में आया है, ये सभी चीजें आप वी के साथ कहेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे, बाय।